नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य BNS गोट फार्म से। और ये देखिए हमारी कड़कनाथ के मुर्गे और मुर्गियाँ, और साथ में ये सोनाली देसी मुर्गे और मुर्गियाँ। गर्मी है अभी, सब ड्रिंकर के पास एकदम जो है कि इनको थोड़ा पानी है वहाँ पी रही हैं, और ड्रिंकर के पास इकट्ठा हुई हैं क्योंकि वहाँ पानी गिरा हुआ है तो ज़मीन थोड़ा गीला हो गया है, तो इससे उनको ठंडक मिल रहा है। तो देखिए ये यहाँ भी इकट्ठा हुई हुई हैं, और ये लास्ट में दिख रहा होगा आपको, ये देखिए वहाँ पर भी इकट्ठा हुई हैं सब। तो दोस्तों, अगर हमारे फार्म या आपके फार्म में अगर स्प्रिंकलर नहीं लगा हुआ है शेड के ऊपर, तो गर्मियों में मुर्गियों को बहुत तकलीफ़ होता है। जैसे ये देखिए अभी शाम का टाइम होने वाला है, और जो है कि ये हाँफ रही हैं, पूरा इनका मुंह खुला हुआ है। ये देखिए वाइट बली आपको दिख रहा होगा, इधर पूरा मुंह खोल करके ये सांस ले रही हैं, तो बहुत तकलीफ़ है। और भी सारे मुर्गियाँ ऐसे ही कर रहे हैं। और ये हमारा छोटा सा फार्म है, बस 200 पीस के लिए, तो मुझे इतना मालूम नहीं था मुर्गी पालन का, अभी तो हमने शुरुआत किया है। तो दोस्तों, मुर्गी पालन का मतलब तीनों मौसम में, सर्दी गर्मी और बरसात, तीनों मौसम के लिए आपके फार्म में सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मेरे फार्म में सिर्फ सर्दी के मौसम के लिए सही है, बाकी जब बरसात होगा और जब उमस होता है तो उसके लिए भी व्यवस्था नहीं है मेरे पास। और जब गर्मी पड़ता है तब भी, जैसे अभी बारिश नहीं हो रहा है लेकिन गर्मी पड़ रहा है, इसके लिए भी मेरे पास व्यवस्था नहीं है। मैं तो मुर्गी पालन में फेल हो गया, लेकिन और मुर्गी पालन में फेल होने का एक ये भी बहुत कारण, बहुत बड़ा कारण है। और देखिए इनका ग्रोथ भी नहीं हो रहा है, ये लगभग 4 महीने के हो गए हैं, और लगभग 4-4 किलो दाना खा गए हैं ये लोग, और 1 किलो साइज़ भी नहीं है अभी। इसमें कोई 500 ग्राम है, कोई 600 ग्राम है, कोई 700 ग्राम है, तो 1-2 पीस 1 किलो साइज के हैं, नहीं तो सब 1 किलो से नीचे ही हैं। तो दोस्तों, अगर आपका फार्म व्यवस्थित नहीं है तो भी मुर्गी पालन में फेल होने का कारण है। मैं तो मुर्गी पालन में जब से मैं शुरुआत किया हूँ तब से मैं मुर्गी पालन में फेल, शुरू से ही मैं फेल हूँ, और अब इतना मैं थक चुका हूँ कि अब मुझे मुर्गी पालन नहीं करना है। लेकिन अब मैं देख रहा था कि ऐसा क्यों हुआ है मेरे साथ, तो एक ये भी रीज़न है, और भी बहुत सारे रीज़न हैं, मैं अलग अलग वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में बताना संभव नहीं है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो मेरे फेल होने का एक ये भी कारण था कि मेरा फार्म व्यवस्थित नहीं था, इसके लिए मैं फेल हो गया। और भी बहुत सारे कारण हैं, वह मैं आपको बताऊँगा। तो एक छोटा सा जानकारी था दोस्तों शॉर्ट में। आप जब भी करें मुर्गी पालन, अच्छे तरीके से देख करके, सीख करके, ट्रेनिंग ले करके, दूसरों का देख करके, व्यवस्थित फार्म बना करके तब शुरुआत करें, तो कोई तकलीफ़ नहीं होगा, वरना आप भी फेल हो जाओगे। मैं तो फेल हो गया। तो दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।